दोस्तों, राज श्यामा खन्ना किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने मसूर की दाल बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। काले मसूर की दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक कटोरी मसूर की दाल भिगा के रखी है। दो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे मैंने महीन चॉप करूँगी। और मैंने ये दो टमाटर लिए हैं। अब मैं इन दोनों चीज़ों को चॉप कर लूँगी। रफली चॉप कर लूँगी टमाटर और प्याज को। मैंने रफली चॉप करके तैयार कर लिया है। अब मैं इसके अंदर एक दोनों चीज़ों को मैंने रफली चॉप करके तैयार कर लिया है। अब मैं इसके अंदर एक पिंच हींग डालूँगी, एक पिंच हींग डालूंगी। आधा चम्मच जीरा डालूंगी और मैं ये कटा हुआ प्याज और टमाटर इसके अंदर डाल दूंगी। मैं प्याज टमाटर को एक मिनट अच्छे से भून लूँगी, ये देखिए मेरा प्याज टमाटर भून रही हूँ। अब मैं इसके अंदर प्याज टमाटर भूनने के बाद मैं इसमें जरा स्वादानुसार नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद मैं एक मिनट और चलाऊंगी इसको। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह चलाकर मैं इसके अंदर ये भिगाई हुई मसूर की दाल जो मैंने पहले से भिगा कर रखी थी उसको डाल दूंगी। ये देखिए मैंने मसूर की दाल इसके अंदर डाल दी है। दाल डालने के बाद मैं इसे एक मिनट चलाऊंगी और प्रेशर आने तक कुकर की सीटी लगा दूंगी। मेरी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, अब मैं कुकर में ढक्कन लगाने जा रही हूँ सीटी लाने के लिए, ताकि मेरी दाल जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। और दोस्तों, मेरी ये दाल बनकर अब तैयार हो गई है। अब मैं इसमें जरा सा गरम मसाला डालूंगी। गरम मसाला डालूंगी, आधा चम्मच गरम मसाला डालूंगी और मैं जरा सी इसमें खटाई डालूंगी, आधा चम्मच खटाई डालूंगी, आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालूंगी। ये मेरे अब मैं इसके अंदर एक अच्छा सा छौंक लगाऊंगी। छौंक लगाने के लिए मैंने एक कटोरी में देसी घी डालूंगी। एक चम्मच देसी घी लिया है, इसमें मैं एक पिंच हींग डालूंगी। हींग डालने के बाद मैं इसमें जरा सा जीरा डालूंगी, आधा चम्मच जीरा पाउडर जीरा डालूंगी। अभी मेरी दाल बनकर तैयार हो गई है। छौंक को मैं इस दाल में मिक्स कर दूंगी।
ये देखिए दोस्तों मेरी दाल बनकर तैयार हो गई है। मेरी दाल बनकर तैयार हो गई है, देखिए ये देखिए दोस्तों मेरी दाल बनकर तैयार हो गई। अब मैं इसे सर्व करूंगी गर्मा गर्म रोटियों के साथ, गर्मा गर्म रोटियों के साथ इसे सर्व करूंगी। ये मेरी दाल बनकर तैयार हो गई है, मैं इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व करूंगी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। प्रणाम जी।